प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव उत्साह एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पद के लिए अनुराग एवं जिला मंत्री अभिषेक सिंह भारी मतों के अंतर से विजय घोषित किए गए। साथ ही कर्मचारियों ने भांगड़ की थाप पर थिरकते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। 9 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 3 पदों पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिला, जबकि 6 पद पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर अनुराग एवं संजीव कुमार सक्सेना के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें 77 वोटों में से 66 मत अनुराग एवं 11 मत संजीव कुमार सक्सेना ने प्राप्त किए। इस तरह अध्यक्ष पद के लिए अनुराग 55 मतों के भारी अंतर से कामयाब हुए। जिला मंत्री पद पर अभिषेक सिंह एवं कुलदीप वन के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अभिषेक सिंह को 63 एवं कुलदीप वन को 14 मत प्राप्त हुए। अभिषेक सिंह 49 मतों से विजय घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्रवण कुमार और अनिता रानी के बीच मुकाबला हुआ, श्रवण कुमार को 67 एवं अनिता रानी को 10 मत प्राप्त हुए। इस तरह श्रवण कुमार 57 मतों से विजय घोषित किए गए। इसके अलावा अनिल सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एजाज अहमद, संयुक्त मंत्री हरकेश कुमार, संगठन मंत्री सोनू सिंह, ऑडिटर एवं दुर्दाना इकबाल सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। नव निर्वाचित कार्यकारिणी को निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने शपथ दिलाई। राज्य संघ का जो चुनाव हुआ था, किस तरह रहा? शानदार चुनाव रहा। आज पिछली कार्यकारिणी का समय खत्म हुआ, नई कार्यकारिणी आज शपथ ले ली है। चुनाव बहुत शानदार रहा। 79 कर्मचारियों में से 77 कर्मचारियों ने मतदान किया। इससे पता लगता है कि कर्मचारियों में कितना जोश था इस चुनाव के लिए। और 77 लोगों ने चुनाव किया, जिसमें वर्तमान जो अध्यक्ष पद पर जीते हैं उनको 66 वोट मिले, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। 63 वोट जिला मंत्री को मिले और 67 वोट कोषाध्यक्ष को मिले, तो एक अच्छी संख्या से ये लोग विजयी हुए हैं। और मेरी इनसे यही अपेक्षा है कि पिछली कार्यकारिणियों द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे, जहाँ जो गलतियाँ पहले हुई वो गलतियाँ आगे नहीं दोहराई जाएंगी। एक अच्छी कार्यकारिणी बनी है, जो इस कलेक्ट्रेट संघ शाखा मुरादाबाद के लिए एक वरदान साबित होगी, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। और ये लोग इतना अच्छा काम करेंगे क्योंकि अभिषेक जी पुराने हैं, अनुराग जी भी पुराने आदमी हैं, और इनको एक नया एक अनुभव मिलेगा और ये अच्छी तरह जानते हैं कर्मचारियों की समस्या को कैसे सुलझाया जाता है। तो मेरी पूर्ण जितनी भी मेरी गुड प्रयास। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ था, उसमें आप अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या प्रयास रहेंगे? आज कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ जनपद शाखा मुरादाबाद का द्विवार्षिक चुनाव हुआ, इसमें मैं अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ तथा प्रिय अभिषेक सिंह जिला मंत्री बने और कोषाध्यक्ष के पद पर श्रवण कुमार निर्वाचित हुए हैं। बाकी 6 कर्मचारीगण हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हम कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे और कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका उत्पीड़न किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दशा में उनको न्याय दिलाने का प्रयास इस संघ के माध्यम से, कार्यकारिणी के माध्यम से अधिकारियों के साथ संवैधानिक रूप से संवाद स्थापित करते हुए हल कराने का प्रयास किया जाएगा। साथी कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे? साथी कर्मचारियों से यही कहना चाहूँगा कि अपना कार्य अपनी निष्ठा के साथ करें, किसी के दबाव में आके कोई ऐसा कार्य ना करें। यदि कोई आपका उत्पीड़न करता है तो उसको संघ से अवश्य अवगत कराएं। संघ आपके लिए हर समय खड़ा है और आपकी हर समस्या का निदान कराने को प्रयास करें।